एक बात इसमें अच्छी है, इसमें स्ट्रट्स दे रखा है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि ये 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा है। और ये एक जो फीचर मैं जो आपको, अब मेरे को स्पोर्ट्स मोड पे मैंने गाड़ी का रखी है, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज आपके लेके आए हैं फोर्ड एंडेवर, 2020 मॉडल है, 3.2 है ये, 5 सिलेंडर, जो कि आपके प्रोड्यूस करता था 197 हॉर्स पावर और जिसका टॉर्क था 450 Nm का। ये काफ़ी मतलब फेवरेट कार है एंथुजियास्ट के लिए जिनको ऑफ रोडिंग का शौक है। और एक ही कंपटीटर था यार फॉर्चुनर का 3.2 एंडेवर, वो भी यार डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद कंपनी ही चली गई, क्या ही कह सकते हैं अब भाई। 3.2 इंजन जो था वो काफ़ी पावरफुल और मतलब एंथुजियास्ट काफ़ी उसको प्रेफर करते थे अपने मतलब ऑफ रोडिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। देख सकते हैं ये यहाँ पे इसकी बैचिंग दे रखी है, 3.2 सिक्स स्पीड ऑटो। सो यह इसकी पावर फिगर्स और जो इसका टॉर्क आउटपुट मतलब जो परफॉर्मेंस आउटपुट है इसका व्हील्स पे, वो काफ़ी अच्छा था अपने टाइम पे। और भाई लास्ट मतलब ये कह सकते हो आप लास्ट जनरेशन थी ये इसकी 3.2 की, इसके बाद 2.2 आने लग गई थी, इसके इंजन को मतलब थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी कम कर दी थी इंजन की। सो आपको मैं लेके चलता इसके इंजन वे की तरफ, इसमें दिखाते हुए काफ़ी काम हो रखा है इस गाड़ी में। सो देख सकते हो ये वो फेमस 5 सिलेंडर 3.2 इंजन, इसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन आता था, 5 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड, काफ़ी अच्छी मतलब पावर क्रिएट करता था, मतलब ऑफ रोड के लिए मतलब काफ़ी प्रेफर करते लोग इस कार को। अब भी फॉर्चुनर से मतलब इसमें अगर देखा जाए जो नई फॉर्चुनर आ रही है उससे अब भी इसमें ज़्यादा मतलब फीचर्स हैं। अब तो मार्केट इसके लिए बूम कर रही है, जो रीसेल वैल्यू मार्केट है इसकी काफ़ी बूम कर रही है लोग। एक बात इसमें अच्छी है, इसमें स्ट्रट्स दे रखा है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि इसके बोनेट को लिफ्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है, नहीं तो काफ़ी भारी बोनेट है इसका, फॉर्चुनर की तरह नहीं है उसमें तो। फॉर्चुनर में तो मतलब शर्ट्स की जगह एक स्टिक दे रखी है कि आप लगा लो बस हो जाएगा आपका काम, पर यार फोर्ड ने काफ़ी अच्छा मार्केट क्रिएट करी थी इस गाड़ी फोर्ड के लिए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो हेडलाइट्स है वो चेंज्ड है, ये देख सकते हो तीन प्रोजेक्टर है, ये वाला लो बीम के लिए है और ये दो हाई बीम के लिए है। और ये यहाँ पे जो LED है इसकी, ये रनिंग इंडिकेटर के लिए, और ये यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसी दिखती है। तो जो गाइस इसकी ग्रिल है उस पर ही फोर्ड की बैजिंग हो रखी है, जो नॉर्मल फोर्ड का इतना छोटा सा एम्बलम आता है इसमें पूरा चेंज कर रखा है। और ये आगे तीन हमर लाइट्स दे रखी है, हालांकि ये ऑरेंज नहीं है, वाइट है। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी फिनिश दे रहे हैं इसको। बाकी भाई इनमें सब में LED का सेटअप कर रखा है, जो मतलब ताइवान से बन के आती है लाइट्स, और जो इसके फॉग लैंप है उसमें भी LED सेटअप है। तो अब चलते हैं इसके बैक की तरफ, इसकी टेल लाइट भी चेंज है, यहाँ पे इसकी लाइट्स जो है वो पूरी LED है। पहले इसमें मतलब जो इसका, हालांकि ये टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में पहले से ही LED का सेटअप आता था, पर जो इसके से एक नीचे मॉडल जो आता था उसमें LED का सेटअप नहीं था, मतलब बल्ब दे रखे थे हेलोजन। इसका कुछ आउटपुट ऐसा है, इसमें यहाँ पे रनिंग इंडिकेटर्स दे रखे हैं और ये जो LEDs है वो ब्रेक की है, और ये आउट जो इसका आउटर ये रेड LED दे रखी है यहाँ पर, ये पार्किंग के लिए, मतलब पार्किंग कैसे कहें, जैसे लाइट्स ऑन करते हैं तो ये ऑन रहती है हमेशा लाइट्स के साथ, जैसे डे टाइम रनिंग लाइट्स है उधर, ऐसे ही ये पीछे की तरफ है। बाकी इस पर पिलर लाइट्स है, पिलर लाइट का आउटपुट काफ़ी अच्छा है, पर ये ब्रेक से कनेक्ट नहीं करवा रखी, ये नॉर्मली है, खाली जब ऑन करोगे हेडलाइट्स तभी ऑन होगी। और जो इसकी रिफ्लेक्टर है इसमें रनिंग इंडिकेटर्स भी है और ब्रेक लाइट भी है, काफ़ी अच्छा लुक देते पीछे से। जो यहाँ पे इसकी क्रोम की प्लेटिंग है ये और डी क्रोम हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी लुक आती है इसकी। यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव मतलब ऑल टाइम फोर व्हील ड्राइव का आ रही है इसकी। भाई एवरेज की तो क्या ही बात करें, इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है 10.6 की,
पर अभी ये जो दे रही है, जो MID में इसका शो कर रहा है, वो अराउंड 7 या 8 ही कर रहा है। बाकी इसके टायर का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइज, जो इसके टायर का साइज़ वो देख, यहाँ पे 265/60R18 है, 18 इंच के रिम है। फिर चलते हैं आपको सारी चीज़ दिखाते हैं इसमें, मतलब कैसे कितनी चल चुकी है। सो गाइज, ये आ गए हम गाड़ी के अंदर भाई। फोर्ड एंडेवर 3.2, ऊपर से यार इतनी बल्की कार बैठने में मतलब फील आ रही है एक। या फॉर्च्यूनर से तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो इसका डैशबोर्ड हो देख सकते हो, फॉर्च्यूनर से काफ़ी बड़ा है। फॉर्च्यूनर का छोटा सा यहीं पे एंड हो जाता है, इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है। ये कुछ MID है इसकी, ये यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन दिखा रहा है, ये फ्यूल के लिए फ्यूल गेज है डिजिटल। और ये देखो भाई, गाड़ी चल चुकी है 1,27,306 किलोमीटर, और ये 2020 मॉडल है, 3 साल में मतलब 1 लाख से ऊपर चल गई है। यार मेरे को कब, मैंने अभी कार चलाई है, ये मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ इसके पिकअप से कि यार ये इतना चल चुकी है कार। और मतलब यार काफ़ी अच्छा इसका जो कह सकते हैं इनिशियल है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 8-speed ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स है, इसमें स्पोर्ट्स पे भी कर सकते हो आप, हालांकि इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं है। ये यहाँ पे सारे इसके कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये MID के कंट्रोल्स है, और दोनों साइड है, एक साइड भी नहीं, दोनों साइड है देख सकते हो तो। और यहाँ पे ये इसका क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये कुछ इसका डोर पैनल है, ये बीच में सॉफ्ट टच है, ये लेदरेट फिनिश है इस पर पूरी। और यहाँ पे यार स्क्रैची प्लास्टिक, और जो इसके डैशबोर्ड है इस पर यार पूरा लेदर रैप्ड है। बस ये जो इसका नीचे का ही है, काफ़ी चीप फील होता है, ये आवाज़ देख सकते हो कैसे कर रहा है। मैं इस पर थोड़ा सा काम और हो जाता तो यार गाड़ी क्या ही बात थी। हालांकि अब भी मतलब मैं फॉर्च्यूनर से ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा, अगर ये कंपनी दोबारा आ जाती है, जो इसका फेसलिफ्ट आया है फोर्ड एंडेवर करने वाला भाई, वो काफ़ी ही इम्प्रेसिव है यार। उसमें मतलब आप कह सकते हो कि वो बहुत ही अलग लीग में चला गया अब तो। हालांकि हम ले नहीं सकते उसे, इंडिया में इम्पोर्ट ही करानी पड़ेगी। जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है फोर्ड, मतलब इतने बजट में, और जो फॉर्च्यूनर के साथ है, इतनी सारी चीज़ और इतने सारे फीचर्स इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार उसके लिए तो एक बनता ही है आप कह सकते हो थोड़ा सा। फोर्ड एंडेवर काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी मतलब फोर्ड की है तो फिर यार अनरिलायबल है या फिर कोई ऐसी चीज़ है। आप देख सकते यहाँ पे दिख ही रहा है आपको रिलायबिलिटी का एक सबूत, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी और मतलब इतनी चल चुकी फिर भी मतलब सारी चीज़ें वर्किंग है इसमें। पैनारोमिक सनरूफ, जो इसका मोस्ट सेलिंग पॉइंट था वो था पैनारोमिक सनरूफ यार, मतलब काफ़ी लोग प्रेफर करते थे इसकी वजह से। और भाई काफ़ी एयरी फील देता है ये इंटीरियर को, हालांकि जो इसका रूफ लाइनर है वो ब्लैक है, यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा इस चीज़ से। और जो इसके इसमें 7 सीटर है यार, ये इसमें थर्ड रो देख सकते हो, और भाई थर्ड रो का एक फीचर काफ़ी अच्छा है इसका। यहाँ पे देखो, मैं बूट ओपन करी है तो यहाँ पे एक लाइट दे रखी है, ये हुक है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। ये पार्सल ट्रे भी थी इसमें, पार्सल ट्रे इसमें शायद है नहीं अभी। और जो इसके टूल किट है वो सारी यहाँ पर दे रखी है, ये 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा है। और ये एक जो फीचर मैं जो आपको बता रहा था कि जो इसकी सीट्स और अप एंड डाउन हो जाती है, तो वो देखो ये मतलब आप एक बटन दबाओ और जो थर्ड रो है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी, और ऐसा ही नहीं है खाली फोल्ड होगी, ये अपने आप ऊपर भी आ जाएंगी। तो मतलब ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर लगा मेरे को। मतलब यार एक होता फॉर्च्यूनर में यहाँ से उठा के और साइड में रखनी होती है, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसमें मेरे को। एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी, जो सीटिंग पोजिशन है यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी भाई डुअल जोन दे रखा है, और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मैं बताने जाऊंगा तो उसमें ही सारा टाइम निकल जाएगा। हालांकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि कस्टमर अभी डिलीवर करनी है हमें कार कस्टमर के पास। यहाँ पे इसमें नेविगेशन, फ़ोन, क्लाइमेट, मोबाइल ऐप्स और सेटिंग्स, इसमें सारे कंट्रोल्स है जो बेसिक फीचर्स जो देती है कंपनी। सो इसकी बैक सीट्स है वो रिक्लाइन भी हो जाती है, और एडजस्ट भी कर सकते हो आप इसको आगे पीछे, यहाँ पे देख सकते हो। लेग रूम काफ़ी है, पर इसका जो हेड रूम है यार मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, मतलब काफ़ी कम हेड रूम है मेरी हाइट के हिसाब से। और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी थोड़ी कम है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कम है, क्योंकि जो इसका फ्लोर है वो काफ़ी ऊपर है, तो मतलब एक घुटने थोड़े से पेट की तरफ आ जाते हैं।
इसमें बीच के फ्लोर में कोई ज़्यादा बड़ा हम्प नहीं है, और जो इसका थर्ड जोन क्लाइमेट कंट्रोल है वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ये टेम्परेचर के लिए, ये एयर फ्लो के लिए, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कि आपको अपने फुट्स पे चाहिए या फिर अपने फेस के, मतलब अपर बॉडी पे चाहिए या लोअर बॉडी पे फ्लो चाहिए एयर का। ये यहाँ पर इसका 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा है, और यहाँ पे इसके एसी वेंट्स है। ये यहाँ पे रीडिंग लैंप है इसका रियर के पैसेंजर का। और भाई थर्ड रो में तो स्पेस के नाम पे तो कुछ है नहीं, छोटे बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पर। कुछ इसकी बैक सीट थी, बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। हालांकि जो इसका कप होल्डर है वो काम नहीं कर रहा, वो अटका हुआ है किसी निजी कारण की वजह से उसके। सो यहाँ पे बीच के पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट दे रखा है। मैं काफ़ी अच्छा, मतलब एक होता है कि एसयूवी के टाइप से काफ़ी अच्छा इसका प्रेजेंस है। बाकी जो पीछे की सीट है वो थोड़ा आगे वाली सीट से ऊपर है, वो मतलब बहुत सी फील देती है पीछे से थोड़ा। यहाँ पीछे से इसका इंटीरियर चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मतलब एक बेसिक सा है पर काफ़ी अच्छा लगता है। एक बहुत ही अच्छा लेआउट दे रखा है इसके डैशबोर्ड को, जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है सारी चीज़ों पे। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दे रखा है मटेरियल, ये यहाँ पे लेदर रैप्ड है, ये आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे भाई इसका पिकअप विकअप कैसा है गाड़ी का। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी आपको शायद यहाँ से जज ना हो कि कैसा पिकअप है कैसा नहीं है, पर एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हेडलाइट का इसका थ्रो कैसा है कैसा नहीं है। ये यहाँ पे भाई हम आ गए अंधेरे में, ये देख सकते हो इसकी सिर्फ DRL ऑन है। ये मैं थोड़ा सा ऑन करूँगा तो इसकी हेडलाइट ऑन होगी। ये सारी सिर्फ लो बीम है, ये हाई बीम है इसकी। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा आउटपुट है हाई बीम का, लो बीम का भी। मतलब रोड पे काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इस चीज़ का, मतलब रोड पे काफ़ी एलुमिनेट कर देती है, रोड पे हर एक चीज़ को एलुमिनेट कर देती है। बाकी मैं ऑफ करके अगर इसके फॉग लैम्प्स भी ऑन करूँ तो देखो, मतलब फॉग लैम्प्स का भी काफ़ी अच्छा आउटपुट है। मेरे को हेडलाइट से ज़्यादा अच्छा आउटपुट फॉग लैम्प का लग रहा है सच में। मतलब आप कह सकते हो कि खाली फॉग लैम्प आप यूज़ कर सकते हो ऐसे टाइम पे जहाँ पे मतलब ज़्यादा अंधेरा ना हो, या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हमें लाइट ऑन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता था वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो मतलब मेरे को स्पोर्ट्स मोड पे मैंने गाड़ी का रखी है, और जो ये उठती है यार 3.2 में, मतलब यार काफी अच्छा पिकअप है गाड़ी का। सो गाइज ये थी अपनी फोर्ड एंडेवर 2020 3.2 सिक्स स्पीड ऑटो। ये हमारे पास आई थी डिटेल होने के लिए, इस पे हेडलाइट्स टेल लाइट्स और जो इसके फॉग लाइट में LED है वो सारा काम भाई हमने करा है। जो पिलर के जो इसकी टेल लाइट्स है और जो नीचे की रिफ्लेक्टर लाइट्स है वो भी हमने चेंज करी है। अगर आपको भी ऐसा काम कराना है अपनी कार पे, कोई भी कार हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिटेलिंग फॉक्स भाई हयातपुर में, सारा काम यहीं पर हुआ है। सो गाइस ऐसे और रिव्यूज़ के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।